हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 कंपनी मोबाइल्स की जो आने वाले हैं 2021 में, और हम देखेंगे इन मोबाइल्स की प्राइस, इसकी लॉन्च डेट, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, स्टूडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट है। नंबर 1 पे आता है वीवो X60। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें Snapdragon i11 है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें Samsung का Exynos 1080 है, डिस्प्ले इसमें 6.56 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है। बात करें कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 13 MP 13 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 MP का। स्टोरेज इसमें 128 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 36,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 36,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं वीवो उस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 फरवरी 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है ZTE V2020 5G। बात करें इसकी स्पेक्शन की, तो इसमें डॉट का V10Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें MediaTek Dimensity 800 है, डिस्प्ले इसमें 6.53 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की, तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 48+8+2+2 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का। स्टोरेज इसमें 128 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,999। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं ZTE इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस में लेके आता है। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 फरवरी 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Realme V15। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें डॉट का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें MediaTek Dimensity 800 है, डिस्प्ले इसमें 6.4 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है। बात करें कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 64+8+2 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का। स्टोरेज इसमें 128 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4310 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,999। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं रियलमी इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 फरवरी 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है ब्लैक शार्क 3। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें डॉट का V10Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 865 है, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है। बात करें कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 64+13+5 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 20 MP का। स्टोरेज इसमें 128 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4720 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 32,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 32,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं ब्लैक शार्क इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 फरवरी 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है नोकिया 6.3। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें डॉट का V10Q है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 730G है, डिस्प्ले इसमें 6.45 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की, तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 48+12+2 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का। स्टोरेज इसमें 64 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512 GB आप इसको एसडी कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4200 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,999। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं लोग इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 18 फरवरी 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों, इतने टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।